हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट सर्किल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए हिस्ट्री की मैजिकल ट्रिक लेकर आया हूँ। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो होते तो बहुत आसान हैं, लेकिन उनको याद करना अक्सर बहुत कठिन होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, और इसी सीरीज में हम आज हिस्ट्री की ट्रिक्स का पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ये पहली ट्रिक है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, और आगे भी हम लोग ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जो कठिन हैं तो उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ओके, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और ट्रिक को अच्छी तरह समझते हैं तो डेफिनेटली आप अगर इस पॉइंट को भूलना चाहोगे तब भी भूल नहीं पाओगे, ऐसा मेरा दावा है। ओके, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के लिए गेट सर्किल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो ये हिस्ट्री की मैजिकल ट्रिक्स का पहला वीडियो है, और इस वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं के नाम बताएंगे। आप अक्सर देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं के नाम पूछे जाते हैं, पर इनको याद करना अक्सर बहुत ज्यादा कठिन होता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैजिकल ट्रिक, और प्लीज अगर ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस ट्रिक को हम एक कहानी के माध्यम से याद रखेंगे। कई बार क्या होता है कि ट्रिक को याद करने के लिए हमें लंबे लंबे सीक्वेंसेस रटने पड़ते हैं, और वो सीक्वेंसेस याद करना इतना कठिन होता है कि उससे बेटर ये होता है कि हम फैक्ट को डायरेक्टली याद कर लें। तो क्या करेंगे हम लोग इस ट्रिक में, हम लोग इस ट्रिक को एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। जब आप कोई कहानी सुनते हो ना तो उसे याद करना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, तो ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और कहानी सुनते सुनते ही आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं, जो इम्पोर्टेंट खोजकर्ता हैं, उनके नाम भी याद हो जाएंगे, और ऐसे याद हो जाएंगे कि आप फिर कभी भी उन्हें भूलोगे नहीं। ओके, तो चलिए कहानी शुरू होती है। कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है काली। तो ये जो काली भाई साहब हैं ये अपनी ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, और ग्रेजुएशन जब इनकी खत्म हो जाती है तो ये कंपटीशन की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं। जैसे कि हम सभी लोग दिल्ली जाते हैं, तो ये भी पहुंचते हैं मुखर्जी नगर, और वहां पर ये रहते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। और मुखर्जी नगर में किस्मत से इनकी मुलाकात होती है बीके से। बीके एक गर्ल स्टूडेंट है, और इनकी मुलाकात होती है बीके से, और इनसे दोस्ती होती है, और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर क्या करते हैं दोनों लोग भाई साहब काली और बीके शादी कर लेते हैं। ठीक है, करने आए थे प्रिपरेशन, पर बाई गॉड ऑफ ग्रेस ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। तो जब शादी हो जाती है तो काली की बीवी बन जाती है बीके। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, काली की बीवी बीके। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट है। इसके बाद होता क्या है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जो काली भाई साहब, इनकी डेथ हो जाती है। ओके, अब काली भाई साहब की डेथ हो गई, तो जो बीके हैं ये बहुत उदास रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं ऑब्वियसली। ओके, तो अब क्या होता है, बीके के एक मित्र होते हैं जिनका नाम है मोहन। ओके, तो अब जब मोहन और बीके इनकी दोस्ती होती है, तो जो मोहन के फादर हैं, बहुत इजी है इसे याद रखना, कि अब मोहन के जो फादर हैं उनको बीके के ऊपर आती है बहुत दया। ओके, मोहन के पापा को दया आती है बीके पे, तो पापा को दया आ गई। जब पापा को दया आ गई बीके के ऊपर, तो मोहन के पापा मोहन से कहते हैं कि बीके को रख लो अपने पास। ठीक है, तो मोहन पापा की बात को मान लेता है और बीके को अपने पास साथ रख लेता है। तो मोहन ने रख लिया, ठीक, मोहन ने रख लिया बीके को। पर अब हमारी सोसाइटी में ये तो अलाउड नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर आप किसी भी स्त्री को अपने साथ ऐसे रख लेते हो। तो मोहन के पापा मोहन से कहते हैं कि बेटा शादी वादी कर लो, है ना, सिंदूर लग जाएगा, रंग लग जाएगा, तो सोसाइटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मोहन के पापा मोहन से कहते हैं कि रंग लगा दो। तो अब मोहन के दो तीन भाई होते हैं, तो मोहन के पापा बोलते हैं चंदू गोपाल रंग ले आओ। अब रंग होता नहीं है, तो चंदू गोपाल से मोहन के फादर कहते हैं कि जो उनके पड़ोसी हैं रंगनाथ राव, उनसे रंग ले आओ। तो चंदू गोपाल रंग लो रंगनाथ राव से। ओके, तो इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से आपकी ये पूरी की पूरी ट्रिक बन गई, जो कि बड़ी आसान है याद करना। ठीक है, काली और बीके,
इन दोनों की दोस्ती होती है, दोनों शादी कर लेते हैं। तो काली की बीवी बीके, बहुत आसानी से याद करना, काली की बीवी बीके। अब काली की डेथ हो जाती है तो बीके के ऊपर मोहन के फादर हैं, जो मोहन के पापा हैं, उनको दया आती है। तो पापा को दया आ गई, है ना, पापा को दया आ गई। तो पापा ने मोहन से कहा कि बीके को अपने साथ रख लो, तो मोहन ने रख लिया, है ना, तो मोहन ने रख लिया। पर अब जो हमारा समाज है उसके डर से पापा मोहन से कहते हैं कि बीके को रंग लगा दो। तो उसके लिए पापा चंदू और गोपाल से कहते हैं कि रंग लो रंगनाथ राव से। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर लेते हैं। अब क्या है, अब देखिए, इसी कहानी के माध्यम से आपके जो है जितने भी खोजकर्ता हैं उनके नाम आप बहुत इजीली याद रख पाओगे और इसके बाद कभी भी भूलने वाले नहीं है। देखिए, काली जो है, काली से सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है जिसका नाम है काली बंगन, ठीक है, काली बंगन। तो काली बंगन के जो खोज करता है वो कौन है, काली बंगन के दो खोज करता है, एक है आपके बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल, और दूसरे हैं बीके थापर। ओके, तो आपको पूरे नाम भी याद ना तो आपका बीके और बीबी से भी काम चल जाएगा, बीबी लाल और बीके थापर, काली बंगन के खोज करता। अब पापा, पापा से देखो आपको लगेगा हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा इज इक्वल टू पापा, तो पापा को दया आ गई, ठीक है, तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ये हो गए कौन, हड़प्पा के खोजकर्ता। इसके बाद मोहन, मोहन से कौन है, आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं, मोहन जोदाड़ो, ठीक है, मोहन जोदाड़ो, मोहन जोदाड़ो के खोजकर्ता कौन है, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी। इसलिए इस स्टेटमेंट को ऐसे डाला गया है कि मोहन ने रख लिया, सुनने में बड़ा अजीब लगता है पर हमें रिलेट करना है ना, कहीं ना कहीं चीजों को रिलेट करना है तो ऐसे स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। ओके, तो मोहन जोदाड़ो की खोज किसने करी, राखाल दास बनर्जी ने। इसके बाद चंदू से आपकी साइट आ जाती है चन्नू दाड़ो, चन्नू दाड़ो, ठीक है, चन्नू दाड़ो, चन्नू दारो की खोज किसने करी, गोपाल मजूमदार ने, गोपाल मजूमदार। ओके, इसका यहां पर आपको दो साइड मिल जाती हैं, ये हो गई आपकी रंगपुर, रंगपुर, और ये हो गई लोथल, रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल की खोज किसने करी, रंगनाथ राव ने। इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप इन सभी खोजकर्ताओं के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। काली बंगन की खोज किसने करी, बीबी लाल और बीके थापर ने, हड़प्पा की खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने, मोहन जोदाड़ो की खोज किसने करी, राखाल दास बनर्जी ने, चन्नू दारो की खोज करी, गोपाल मजूमदार ने, और रंगपुर और लोथल की खोज करी, रंगनाथ राव ने। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, ये कहानी याद हो गई होगी। अगर आपको ये कहानी याद है तो ये ट्रिक आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ईजी है, और आई थिंक आई होप कि आप ये ट्रिक आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।